नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरा चैनल में, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव अभी। मैं हूँ अविनाश शर्मा। तो आज हम लोग बात करेंगे मारुति सुजुकी का जो अल्टो के टेन का ऑटोमेटिक वर्सन है, AMT VXI मॉडल, उसका कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पांच पॉजिटिव पॉइंट मैं निकाला हूँ, उसमें से पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्राइस। इसका प्राइस है जो मैक्सिमम 4.26 लाख तक जाता है, 3.4 लाख से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है इंडिया के मार्केट में। इतना सस्ता में बहुत अच्छा गाड़ी मारुति हम लोग को दे रहा है। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका माइलेज, जो कि 24.2 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि बेस्ट इन क्लास है। इस रेंज में हैचबैक सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट माइलेज है इसका। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मारुति सुजुकी का भरोसा। मारुति सुजुकी जो इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग हैचबैक या हैचबैक या कोई भी गाड़ी का मतलब नंबर वन रैंक पे है सेल्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, सर्विस एंड क्वालिटी। तो मारुति सुजुकी का भरोसा, जो उसके बारे में मुझे अलग से आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद सब लोग को मालूम है मारुति सुजुकी के बारे में अच्छे से A to Z। तो वो एक प्लस पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है इसका डिजाइन, जो कि टोटली न्यू डिजाइन है, और पुराना अल्टो जो था या पुराना अल्टो K10 मॉडल जो था उससे कोई मैचिंग नहीं होता है। टोटली न्यू डिजाइन किया है और काफी अच्छा है, बहुत मतलब अच्छे से मारुति का इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया है। तो वो एक प्लस पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है इसका इंजिन, पेपी इंजिन है, और इसका साइज जो कि काफी स्मॉल है, जिसके कारण आप कहीं में भी मतलब कोई भी छोटा सा जगह आपको मिल जाता है उसी में वहीं पे आप पार्क कर सकते हैं। मतलब सिटी में नॉर्मली क्या होता है, पार्किंग के जगह नहीं मिलता, हमेशा पार्किंग फुल रहता है। और बड़ा गाड़ी का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जहां मर्जी वहां रख नहीं सकते हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। इसका साइज बहुत छोटा है, तो आप इसको जहां मर्जी वहीं पे पार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा पार्किंग स्पेस आपको मिल गया तो आप वहीं पे गाड़ी को पार्क करके रख सकते हैं। तो ये पांच इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अभी मैं बात करता हूँ इसके निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इसका निगेटिव पॉइंट भी पांच मैंने निकाला हो, उसमें से पहला है साइज। साइज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पॉजिटिव पॉइंट बताया, लेकिन साइज से कुछ निगेटिव पॉइंट भी होता है, जैसे कि इसका साइज छोटा है, जिसके कारण इसमें पांच आदमी भी अच्छे से कंफर्टेबली बैठ नहीं सकता है। चार आदमी अच्छे से बैठ सकता है, पांच आदमी बैठेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो एक इसका निगेटिव पॉइंट है। दूसरा निगेटिव पॉइंट क्या है कि लेग रूम, इस गाड़ी में लंबे आदमी के लिए लेग रूम काफी कम है। मेरे जैसा एटलीस्ट 6 फीट हाइट का आदमी लोग के लिए लेग स्पेस पीछे में स्पेशली बहुत ही कम है। तो वो एक निगेटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं है। शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट जाने के लिए ठीक है, लॉन्ग ड्राइव में आपको उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको बड़े साइज का गाड़ी चाहिए। तो वो एक इसका निगेटिव पॉइंट है। तो ये तीन निगेटिव पॉइंट हो गया। जो चौथा निगेटिव पॉइंट है वो है कि इसमें सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ड्राइवर एयरबैग अवेलेबल है, वो कि ऑप्शनल है, जबकि मेरे हिसाब से इसमें एटलीस्ट ड्यूएल एयरबैग और एंड ABS होना चाहिए था। हालांकि इंडिया में कोई भी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स तो मैंडेटरी नहीं है, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ABS और ड्यूएल एयरबैग होने से पैसेंजर के लिए सेफ्टी होता है, ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के लिए ही। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पावर डिलीवरी जो AMT में, एक्चुअली पावर डिलीवरी में कोई कमी तो नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन क्या होता है जब ऑटोमेटिक मोड में जब गाड़ी गियर शिफ्ट करता है तो आपको हल्का सा मालूम हो जाता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है, और उस टाइम में आपको क्या होता है थोड़ा सा पावर की कमी होता है, वो एक आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पांच निगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पांच पॉजिटिव एंड पांच निगेटिव पॉइंट बताया अल्टो K10 VXI जो ऑटोमेटिक वर्सन है उसके बारे में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है इस गाड़ी को लेके, कुछ भी सवाल है आपके मन में, तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपका इस तरह का वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।